आज के क्रमांक में हमने शामिल किया है एक बहुत ही अद्भुत प्रश्न। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रेणी में ये प्रश्न आता है। प्रश्न क्या है आप सुनिएगा। प्रश्न है कि हमने अपने जीवन में इतने कर्ज को आकर्षित कर लिया है, ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में इतना कर्ज हो गया है, हम इतने कर्जवान हो गए हैं कि जीवन मानो नर्क के समान बन गया है। रात्रि में हम चैन की नींद नहीं सो पाते, हर वक्त हमारे उस कर्ज की ओर हमारा ध्यान जाता है। कोई भी छोटी बड़ी खुशी का अनुभव हम बिल्कुल नहीं कर पाते। कोई त्योहार आ जाए, जीवन में कोई अच्छे क्षण आ जाए, उन अच्छे क्षणों को भी हम अच्छे से व्यतीत नहीं कर पाते। इतना मुश्किल ये जीवन हो गया है। तो इस प्रश्न का बड़ा ही सटीक प्रत्युत्तर आपको आज के क्रमांक से प्राप्त होने वाला है। आज के क्रमांक पे हम आपको बताएंगे श्री महाराज जी द्वारा बताए कर्ज से मुक्ति के ये तीन अद्भुत उपाय। जो भी साधक इन तीन उपायों को अपने जीवन में शामिल करता है, श्री महाराज जी कहते हैं कि उसके जीवन में दुख, परेशानियां और हर प्रकार के कष्टों से निवारण इन तीन उपाय से आपको मिल जाता है। क्रमबद्ध तरीके से बात करेंगे तीनों उपायों के विषय में, तो बने रहिएगा आज के क्रमांक में और बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। श्री महाराज जी एक बात कहते हैं कि आप भले ही किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करते हो, कोई भी आपका कार्य क्षेत्र हो, आप नौकरी पेशा हो, व्यवसायी हो या कोई भी आप हो, जहां से भी आपको जो भी आमदनी प्राप्त हो रही है, जिस कार्य क्षेत्र से आप जितना भी कमाते हैं, उस आमदनी में से, उस धन में से एक भाग आपको अवश्य दान करना चाहिए। स्वयं श्री महाराज जी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने कमाए हुए धन का कोई भाग दान करता है तो उस दान से सबसे पहले एक ऐसे अद्भुत संतोष की प्राप्ति होती है, ऐसा अनुभव जीवन में मिलता है जो कि अभूतपूर्व है। आपने अपने जीवन में कभी भी ऐसी खुशी का अनुभव नहीं किया गया होगा आपके द्वारा कि आपने अपनी जेब से किसी व्यक्ति की सहायता के लिए दान किया। ये संतोष अपने आप में बहुत बड़ा होता है। अब देखते हैं कि इससे आपके जीवन में कैसे आपको लाभ मिलता है, कैसे आप इससे कर्ज मुक्ति कर पाते हैं। महाराज जी इस ओर इंगित करते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी आमदनी का एक भाग जरूरतमंदों की सहायता में दान के लिए लगा देता है तो ईश्वर एक विधान निर्मित करते हैं। वो विधान क्या होता है कि ईश्वर जानते हैं कि ये वो व्यक्ति है जो मेरे काम को आसान कर रहा है। स्वयं आप सोचिए, जब भी हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है तो हम ईश्वर को पुकारते हैं, तो ईश्वर कहते हैं कि ये व्यक्ति तो मेरे विधान में मेरी सहायता कर रहा है, तो इस व्यक्ति की झोली यदि मैं भर दूंगा, इस व्यक्ति को यदि मैं प्रचुर मात्रा में धन दूंगा तो उस धन का भाग ये अन्यत्र लोगों के लिए, जरूरतमंदों की सहायता के लिए लगाएगा, तो ये व्यक्ति तो बहुत महान है। और इसीलिए ईश्वर का ये विधान आपको धीरे धीरे कर्जवान से धनवान बनाने का कार्य करता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि अपनी आमदनी से जो व्यक्ति दान की आदत बना लेता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं हो सकता और ईश्वर उसे गरीब रहने ही नहीं देते। तो आप तो उस ईश्वर के कार्य में हाथ बटा रहे हैं, तो कैसे आप गरीब हो सकते हैं। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे धनवान बनने लग जाता है, उसके जीवन में सभी सुख समृद्धि के साधन स्वतः ही उसे प्राप्त होने लगते हैं। तो पहला कार्य ये जीवन में अपना लीजिए, जो कुछ भी आप कमाए, जरूरी नहीं है कि बहुत मात्रा में करें, जितना आप अपने लिए पर्याप्त समझते हैं, जितना आपको लगता है कि मेरी जेब से इतना दूसरों की सहायता के लिए जा सकता है, उतना आप करिए और आप पाएंगे धीरे धीरे आपकी सारी समस्याएं कट जाएंगी। आइए बात करते हैं दूसरे उपाय के विषय में। दूसरा उपाय क्या कहता है, दूसरा उपाय क्या है कि श्री महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में धन के सही प्रयोग को जानता है, ऐसा व्यक्ति भी जीवन में कभी गरीब नहीं हो सकता। महाराज जी कहते हैं कि धन की सही उपयोगिता करना आपको आना चाहिए। धनवान तो कोई भी हो सकता है, लेकिन संचित किए हुए धन का यदि सही प्रयोग आप नहीं जानते तो धीरे धीरे वो धन ऐसे ही आपके जीवन से निकल जाता है जैसे कि मुट्ठी में रेत। उसी प्रकार से आप अपने जीवन में यदि किसी भी स्थिति में हो, भले ही कम धनवान हो, भले ही आप बड़े धनवान हो, तो धनवान होना एक बहुत ही विलक्षण बात है, लेकिन धन की सही उपयोगिता, मितव्ययता आपको आनी चाहिए। महाराज जी के ये वाक्य बड़े ही सटीक हैं, क्योंकि ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से लोगों के जीवन में क्या होता है
कि उनके माता पिता बड़े धनवान होते हैं, लेकिन माता पिता के बाद जब उनके बच्चों के हाथ में सत्ता आती है तो उस सत्ता का गलत प्रयोग यानी कि धन के सही नहीं प्रयोग करने के चलते एक धनवान व्यक्ति भी रंक बन जाता है। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि धन की सही मितव्ययता आपको आनी चाहिए। मितव्ययता का आशय यहाँ पर क्या है कि जहां पर आपको लगे कि पर्याप्त खर्च होना चाहिए वहां पर अवश्य आपको खर्च करना चाहिए, लेकिन अत्यधिक खर्च करना जहां पर आवश्यकता नहीं भी है वहां पर भी यदि आप अपने हाथ को बहुत बढ़ा कर चलते हैं धन के मामले में तो ये आपके बहुत जल्दी धनहीन होने का बड़ा संकेत बन जाता है। तो इसलिए धन की सही मितव्ययता आपको आनी चाहिए, लेकिन इस मितव्ययता के साथ एक बात का आपको ध्यान अवश्य रखना है कि कहीं आपकी मितव्ययता आपकी कंजूसी भी ना बन जाए। महाराज जी यह भी कहते हैं कि कभी भी कंजूस व्यक्ति से जीवन में धन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंजूस व्यक्ति जब जीवन में धन को खर्च करता है तो वह भी अनमने मन से करता है, उससे उस धन के खर्च का जो लाभ होना चाहिए वो कभी नहीं मिल पाता। इसीलिए मितव्ययता को कंजूसी में परिवर्तित मत होने दें, मितव्ययता को मितव्ययता तक अगर आप रखेंगे तो आप धनवान अवश्य बनेंगे, आपके जीवन में कभी भी कर्ज की स्थिति आएगी ही नहीं। तो दूसरा उपाय यह है, आइए बात करते हैं महाराज जी द्वारा बताए तीसरे उपाय के विषय में जो कि हम सभी के लिए बहुत बहुत लाभकारी होने वाला है। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में जिस प्रकार से हम धन के कोष को दिन प्रतिदिन भरने का प्रयास करते हैं, तो इसीलिए महाराज जी यह भी कहते हैं कि धन के कोष के साथ साथ नाम जाप के कोष भी भरते रहें, क्योंकि नाम जाप एक ऐसा अद्भुत कार्य है जिस प्रकार से आप अपने बटुए में धन को रखते हैं, बैंक आदि में धन को रखते हैं ताकि धन का संरक्षण हो, उसी प्रकार से पुण्यों का संरक्षण भी करना बहुत जरूरी है। इसीलिए यदि प्रभु का लगातार जीवन में नाम जाप किया जाए, नाम जाप के पुण्य के कोष को यदि आप भरते रहेंगे तो पुण्य भी आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्रचुरता लेकर आता है। जितने ज्यादा पुण्य कर्म आप करते हैं उतने ज्यादा आप समृद्ध बनते चले जाते हैं। यदि मान लीजिए कि जीवन में ना चाहते हुए भी कई बार आप कर्ज की स्थिति में घिर जाते हैं तो कर्ज की स्थिति तो जीवन का उतार चढ़ाव है ही, लेकिन उस उतार चढ़ाव से निकलने के लिए बुद्धि प्रभु ने हमें दी है, महाराज जी ने हमें सद्बुद्धि की प्राप्ति कराई है। तो इसीलिए सद्बुद्धि के चलते भी आप जीवन में कर्ज की स्थिति से बड़ी आसानी से बाहर निकल सकते हैं। और ये बिल्कुल मत मानिए कि कर्जवान होने का मतलब आजीवन कर्जवान होना है, कर्जवान होने का आशय यहाँ पर यह है कि ये केवल एक जीवन का पक्ष है, यह भी चला जाएगा, लेकिन सद्बुद्धि और सन्मति का हाथ बिल्कुल मत छोड़िए। इसलिए महाराज जी से मार्गदर्शन लेते रहें, हृदय की बात बताते रहें, नाम जाप का सहारा लेकर आगे बढ़े। आपको 100% मैं इस क्रमांक से विश्वास दिलाता हूँ कि जीवन में कभी आपका अनिष्ट नहीं होगा, कभी कर्ज की स्थिति नहीं आएगी, कभी गलत संगत में आप नहीं फंसोगे, क्योंकि जिसने सद्गुरु का हाथ एक बार जीवन में थाम लिया है और महाराज जैसे सद्गुरु जो गुरुओं के भी महागुरु हैं, ऐसे सद्गुरु का हाथ थाम कर यदि आप चल रहे हैं तो जीवन मंगलमय होना 100% निश्चित है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक, आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का, यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।